मरियम, कोई है? शुक्र है तुम आ गए। आप अभी तक जा क्यों नहीं हमें? तुम्हारे इंतजार में, इसलिए। सलमान डिस्टर्ब हो रहे थे, इसलिए इस बेचारे को बाहर ले आई। कहाँ थे तुम? चाचा के। फिर तुम इतनी रात तक वहां बैठे हुए थे, क्या हो गया तुमको हादी? और अपना फोन क्यों छोड़कर गए थे तुम? भूल गया था मैं। फरीसा ने रो रो के अपना हाल बुरा कर लिया। कुछ तो सोचना चाहिए। तुम्हें पता है ना कि उसको हया के नाम से भी चिढ़ है। फिर वहां जाने की तुक क्या थी? अम्मी, मेरा दिल चाह रहा था। बहुत बुरी बात है हादी। और तुम क्या उसको बोल कर गए थे? ये कोई बात थी करने वाली? अम्मी प्लीज, आप लोग मुझे मेरे हाल पे क्यों नहीं छोड़ देते आखिर? कैसे लगी कार मेरी? बहुत अच्छी। आई नो तुम्हारे लायक नहीं है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है रमीज, मुझे वाकई बहुत अच्छी लगी है। थैंक यू। आई नो मेरा दिल रख रही हो, बट थैंक यू एनीवे। अच्छा, तो मैं तुम्हें कह रहा था कि पहले भी आया हूं कराची काफी दफा, बट इस दफा बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा? मैं तो यही रहती हूँ ना, मुझे तो वैसा ही लग रहा है। ऑफ कोर्स, मेरे आने से भी फर्क नहीं पड़ा? तुम्हारे आने से क्या फर्क पड़ेगा? ये बात है। रमीज, कोई बात है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। It's just that इतने अरसे से हमारी मुलाकात नहीं हुई। I was really excited to see you and I thought शायद तुम भी excited हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। It's okay है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि जरूरी नहीं है कि तुम्हारी वो फीलिंग्स हों जो मेरी हैं। मैं खुश हूँ, मैं excited हूँ। और तुमने मुझे कहा था तुम झूठ नहीं बोलोगी। मैं झूठ नहीं बोल रही। अच्छा अच्छा, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? इन छोटी छोटी बातों से, जो जैसे तुमने अभी कहा कि मेरे आने से फर्क नहीं पड़ा। अब आई नो कि तुम मेरी जैसी पागल नहीं हो कि मिलके इतनी खुश हो कि कराची की दीवारों की सियासी स्लोगन्स भी खूबसूरत लगने लगे। आई नो यू नॉट दैट क्रेजी। Anyway, छोड़ो इन बातों को। अगर तुम कराची को मेरी नजरों से देखोगी तो तुम्हें भी बहुत खूबसूरत लगेगा।